ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात समझने क्यों? अरे सुनील सुनो तो सही, ऐसे मत करो सुनील, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर मेरे बारे में किससे बात कर रही थी? कोई नहीं, वो मेरी फ्रेंड थी। हाँ फ्रेंड थी? हाँ मेरी फ्रेंड थी। फोन दिखाओ। नहीं, फोन में कुछ नहीं है। फोन दिखाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ? किससे बात कर रही थी? वो मेरी एक फ्रेंड, कॉलेज की फ्रेंड थी, मैं उससे बात कर रही थी। कौन सी कॉलेज? देखो तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती, तुम्हारी सारी कॉलेज की फ्रेंडों को सबको जानता हूँ मैं, नाम बताओ जरा। वो आपसे मिली थी ना, वो काज, वो सुषमा। सुषमा? सुषमा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो विदेश है। नहीं वो सुषमा नहीं, एक और है। कौन? दूसरी है एक और। ये जवान जितनी लड़खड़ा रही है, क्या छुपा रही है? आप ये क्या कर रहे हो? साफ साफ बोलो से। मेरे बाल छोड़ो, ये क्या कर रहे हो? वरना तुम, मैं क्या कर रहा हूँ? दर्द हो रहा है, छोड़ो। दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। ऐसे ही दर्द मुझे होता है, मुझे भी ऐसी दर्द होता है जैसे तुम्हें हुआ ना अभी, ऐसी दर्द मुझे होता है। बताओ ना किससे बात कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। सच सच बताओ ना, किससे बात कर रही थी? विकास, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे बेवकूफ बना रही हो? मुझे बेवकूफ बना रही हो या बेवकूफ समझ रखा है? नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है विकास, ऐसा कुछ नहीं है। सिमरन फिर कैसा है ये बताओ, मुझ में कोई कमी है क्या? बताओ ना। अच्छा कौन है तुम्हारा आशिक? उसके नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस मेरी फ्रेंड थी, मैं बता रही हूँ ना। मेरी फ्रेंड? कौन सी फ्रेंड है मुझे भी जानना है ना। फोन दिखाओ ना मुझे। अरे लॉक खोलो ना फोन का लॉक खोलो ना, मुझे दिखाओ। नहीं दिखाओगी ना? किस लिए नहीं दिखाओगी? बस इसीलिए नहीं दिखाओगी क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, मैं देख लूंगा उसे, और अगर जब मैं देख लूंगा तो फिर मैं उसका क्या हश्र करूंगा, ये शायद तुम्हें भी नहीं पता होगा। विकास मेरा बाल छोड़ो। दर्द हो रहा है ना? दर्द हुआ होगा। देखो सिमरन तुम मुझे बता दो ना मुझे। देखो मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे पकड़ो। देखो हाथ पैर कांप रहे मेरी। आकाश मेरी बात सुनो, मैं सारी बात बताऊंगी, ठीक है आप होश में आओ थोड़ा। मैं तो होश में हूँ, मैं बता रही हूँ ना। बताओ ना। देखो बोलो, आप मुझे बताने देंगे तभी तो, आप थोड़ा कूल हो जाइए। अच्छा ठीक है, मैं एक गिलास पानी लाती हूँ। नहीं, मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मैं कूल हूँ, आई एम कूल। अब तुम बात शुरू करो, बात बताओ। वो एक बार हम, आपको याद है हम शादी में गए थे? हाँ शादी में गए थे। मेरी फ्रेंड जो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी अंजलि, हाँ वो मिली थी ना, वहाँ पर मेरी फ्रेंड आई थी ना श्वेता, आपने भी मुलाकात की थी। हाँ? उसके हस्बैंड ने ना उसको छोड़ दिया क्योंकि वो बस उसी से बात कर रहे थे। तुम हंस क्यों रहे हैं विकास? हंस क्यों रहे हैं विकास? आर यू ओके? हाँ उसको छोड़ा भी सही होगा ना, वो तुम्हारी तरह बेवफाई करती होगी ना। मुझे ना बहुत डर लगता है, ये जो पर्चा है ना तुम्हारी, मुझे इससे भी बहुत डर लगता है क्योंकि सिमरन मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे आसपास भटके, तुम्हारे कोई आसपास चले। सच सच में। अच्छा सिमरन सच सच बताना, तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो ना, मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी ना कहीं? नहीं विकास, मैं ये मैं करती हूँ ना। सच बताओ। हाँ ये बात, ये वक्त नहीं बात करने का। पक्का? बाद में बात करते हैं ना, बाद में बात करते हैं। अगर चलिए मैं आपको दबा। अगर तुमने मुझे छोड़ा ना सिमरन तो पता है मैं क्या करूंगा? पूछो मैं क्या करूंगा?
पूछो ना। क्या करेंगे? क्या करूंगा? तो ना मैं ना तुम्हें मार दूंगा। तुम्हें मार दूंगा सिमरन, तुम्हें मार दूंगा। अच्छा रहेगा ना ये? मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। खाना कौन देगा मुझे? आओ ना, मैं खाना खिलाती हूँ। चलिए चलिए अंदर आइए ना। हाँ, आइए ना। चलो आइए ना, मैं खाना खिलाती हूँ। सुनील आ गई तुम? काफी टाइम लगा लिया। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मुझे इंतजार करना पसंद नहीं है, अच्छी तरह जानती हो। मेरी जिंदगी खराब करने पे क्यों तुले हुए हो? दूर से बातें करो। आए, आए। जो लड़की कल तक मेरी बाहों में कॉलेज में लिपटी हुई घूमती थी, आज मेरे हाथ लगाने पर भी उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए हो, इतने गद्दार हो तुम। मैं नहीं जानती थी ये सब। बड़ा मजा आता है इतना कमीनापन करने में। मैंने तो पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब की है, लेकिन तुम्हें तो मैंने अपनाने की भी कोशिश की थी। और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी किस्मत में ही नहीं और होना भी नहीं चाहती, क्योंकि आज तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ चुकी है। हाय राम, क्या करूं इस जिंदगी। तुम बहुत ही घटिया और घटिया किस्म के व्यक्ति हो। ये बताइए कि तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? अच्छा, काम की बात करने आई हो? तो ठीक है, बताइए क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर। बताता तो हूँ, रुको सब्र खाओ। बात कुछ ऐसी है कि मेरे ऊपर यहाँ पर कम से कम 3-4 केसेस हो चुके हैं। हाँ तो मैं जिससे क्या मेरा एक मिनट जिससे मेरा यहाँ रुकना बहुत ही परेशानी की जड़ हो गया है। मैं इस देश को छोड़ना चाहता हूँ, इंडिया से जाना चाहता हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए ही चाहिए। जो मैं मांगूंगा, ये मेरी दरख्वास्त नहीं, क्या हेल्प चाहिए तुम्हें मुझसे? हेल्प ऐसी है कि आप मुझे 5 लाख रुपए कैश देंगे। 5 लाख रुपए मैं क्यों दूंगी तुम्हें पैसे? बताता हूँ, सब्र खाओ। 5 लाख रुपए कैश और साथ में मेरा पासपोर्ट। मुझे पहले ही बताती कि तुम बड़े ही घटिया किस्म के व्यक्ति हो, गिरे हुए इंसान हो, और तुमने मेरी कितनी गोल्ड की चैन और रिंग कितनी नशे में बेचकर, जुए में बेचकर खा गए, और अब फिर मुझसे पैसा मांगना चाहते हो तुम? तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाय राम, यही नजाकत तो मुझे मार ले जाती है। तुम्हारा इठलाना, तुम्हारा गुस्सा करना, तुम्हारा प्यार करना मेरी लाइफ का सबसे सुखद पल था, सबसे खुशहाल पल कोई था ही नहीं। सुनील, तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। ओह, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तुम तो किसी परिवार का हिस्सा हो चुकी हो। लेकिन आज भी ये कसमकस बुरी है तुम्हारे अंदर, इसलिए 8 दिनों के अंदर अंदर मुझे यहाँ से निकलना है, और मेरी पासपोर्ट और 5 लाख रुपए मुझे चाहिए। पासपोर्ट? कौन सा पासपोर्ट? कौन सा पासपोर्ट? तुम्हारा पति विकास सिन्हा इंडियन एम्बेसी में क्राइम ऑफिसर है, और उसके पास मेरा पासपोर्ट जब्त है। उस पासपोर्ट को तुम्हें लाना होगा चोरी कर कर। ये इम्पॉसिबल है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करोगी? करोगी, जरूर करोगी। मैं चाहूंगा तो तुम्हें ये मैं ऐसा क्यों करूंगी, और मैं क्यों तुम्हें पैसे दूंगी, और क्यों पासपोर्ट लाऊं मैं तुम्हारा? एक मिनट, कुछ फोटोज तुम्हें मैंने सेंड किए थे, शायद तुमने देखे नहीं। एक बार चेक करके और डिसीजन लेके मुझसे फोन पे बात कर लेना, नहीं तो ये फोटोज तुम्हारे पति के पास पहुंच जाएंगे। चलता हूँ, बाय। अच्छा हुआ जल्दी से घर पे आ गई मैं, वरना वो आ जाती तो मुझसे पहले। ला 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 ला। विकास, इतनी जल्दी घर कैसे आ गया आज? इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? वो सिमरन, मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं जल्दी घर चलता हूँ, तो क्यों ना वो ऑफिस में ना काम जल्दी खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि
आज जल्दी छुट्टी हो गई है तो जल्दी घर जाके तुम्हारे साथ कहीं घूमने चलूं। लेकिन तुम तो शायद अकेली घूमने निकल गई। नहीं, वो घूमने नहीं गई थी मैं तो कुछ। फिर कहाँ गई थी? कुछ सामान लेने गई थी, कुछ सामान घर का खत्म हो गया था वो बस। सामान कहाँ है? सामान वो किधर? वो मैंने ऑर्डर कर दिया, वो घर पे पहुँचा देंगे, घर पे आ जाएगा वो। कितने बजे गई थी? वो ही कोई 4:30। हाँ, 4:30। बहरा नहीं हूँ मैं, जोर से बोलो। 4:30 बजे करीब। 4 या 4:30? 4:30। कितना? 4:30 बजे। 4:30 बजे तो ऐसे बोलती ना? अरे एक बार मुझे फोन तो कर दिया होता, मुझे बता तो दिया होता फोन करके। हाँ, इतनी धूप पड़ी हुई है बाहर और तुम अभी से निकल के देखना कितना डस्ट जम गया चेहरे पे। हाँ, कपड़े भी गंदे हो गए हैं। हाँ, वैसे वो सामान ले तो आई ना तुम, तुमने बोल दिया वो देने आ रहा होगा ना। हाँ, अच्छा देने आ रहा होगा ना। हाँ, है ना। अच्छा चलो, अब तो तुम जब आई गई हो और मैं भी आई गया हूँ तो तुम ऐसा करो, जाओ तुम जल्दी से अंदर जाओ और जाके मेरे लिए एक कॉफी बना के लेके आओ। जाओ जाओ जाओ, इधर आओ। हाँ? हर बार तो पूछ के जाती हो, हर बार ये पूछती हो कितना चम्मच शक्कर डलेगा कॉफी में, हर चीज पूछती हो तुम। आज तो तुमने पूछा ही नहीं मुझसे। हाँ, कितना चम्मच? भूल गई पगली। हाँ पूछो पूछो। कितनी शुगर? दो चम्मच ना। दो चम्मच कहने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो? सीधा सीधा बोलो, दो चम्मच शक्कर डालो। कोई बात है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, नहीं, कोई अगर टेंशन हो तो मुझे बताओ। कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ, मैं अभी उसकी कुछ नहीं है विकाश, उसकी खाल पलट के रख दूंगा मैं। लेकिन अगर गलती तुम्हारी भी हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हाथ है तुम पर भी उठ जाए तो मैं बोल नहीं सकता ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम अच्छी से कॉफी बनाओ ना, एक अपने लिए बनाना और एक मेरे लिए बनाना। दोनों पियेंगे। क्या हुआ? अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रही हो, पता नहीं किस टेंशन में हो। अगर कोई टेंशन है मुझे बताओ। कुछ नहीं है। देखो विकास, कुछ नहीं है। क्या कहना है? अरे काट क्यों दिया? अरे बजने देती ना। वो विकास, वो क्या क्या हुआ? अरे तुमने गाना, मुझे कितना अच्छा गाना लगता है, ये मेरा फेवरेट है गाना। किसी का फोन था? किसी का? ओह फोन था, सॉरी किसका फोन था? वो कंपनी का था, मैंने काट दिया, कंपनी का था फोन। अरे कंपनी का फोन था या किसी मर्द का कॉल था? नहीं विकास, कंपनी का फोन था वो। फोन खोलो, फोन खोलो, मैं कह रहा हूँ फोन खोलो। तो रख क्यों दिया जब इतना अच्छा गाना था तो? हाँ खामोखा रख दिया। ए, कॉल उठाओ, कॉल उठाओ, कॉल उठाओ। वो कंपनी का कॉल उठाओ, स्पीकर पे कॉल उठाओ, कॉल उठाओ। हेलो, कुछ नहीं निकल रही। हेलो हेलो हेलो, तो आवाज भी नहीं निकल रही, शायद भूल नहीं सात दिनों का वादा जो मैंने तुमने एक बात किया था, अच्छी तरह याद है या नहीं? कौन सा वादा? मुझे कुछ नहीं याद, कौन वो बात कर रहे हैं आप? तुम्हारी यही नजाकत तो हमें कर देती है। मैं नहीं जानती आपको। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी से जानता हूँ। कौन बोल रहे हैं? कौन है? एक बात ध्यान रखना, अगर 7 दिनों के अंदर तुम मेरे पास नहीं आई
तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है। बाय, लव यू स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट। कौन है ये स्वीट हार्ट? कौन था? बताती हो या अपने तरीके से पूछना पड़ेगा मुझे? मार डालो मुझे, घोट दो मेरा गला। नहीं जीना चाहती मैं ऐसी जिल्लत की जिंदगी जिसमें घुट घुट के मरना पड़े। मारो मुझे, मार दो, घोटो मेरा गला, मार दो। ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मार दो मुझे, करो मुझ पे शक। तुम भी मुझे गलत समझते हो ना, समझो मुझे गलत। सुनना चाहते हो कौन है ये, किसका फोन था? ये सुनील है, ये सुनील है। कौन सुनील? कॉलेज के दिनों में मैं इससे प्यार किया करती थी, लेकिन ये बहुत ही नीच और गिरा हुआ इंसान था, ये मुझे नहीं पता थी। मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही फ्रॉड लड़का निकला। और आज कुछ फोटोज हैं हमारे उस वक्त के, कुछ फोटोज वीडियोज को लेकर वो मुझे बदनाम करना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। लेकिन मैंने उसको भुला चुकी थी, बिल्कुल भुला दिया था। फिर मैंने जब इसकी मक्कारियां गद्दारियां देखी और बहुत सी लड़कियों को इसने फंसाया भी और उनके साथ बहुत गलत किया, फिर मैंने इसे छोड़ दिया। और फिर उसके बाद जब तुम मेरी ज़िंदगी में आए और तुमसे मेरी शादी हो गई, तो मैंने सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी से जा चुका था। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी ज़िंदगी से गया नहीं है, वो तो जेल में बंद था। लेकिन आज वो फिर से मेरी ज़िंदगी में आ गया और मेरी ज़िंदगी को आज बेहतर बना के रख दिया उसने। फिर मैंने सोचा कि आपसे मेरी शादी हो जाएगी और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो पहले से भी बदतर हो चुकी है। नहीं जीना चाहती मैं ऐसी ज़िंदगी। वो मेरी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और उसके बदले कह रहा है अगर मैं उसका काम नहीं करूँगी तो। कैसा काम? कौन सा काम? काम ये है कि उसने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं और अपना पासपोर्ट मांगा है उसने मुझसे। पासपोर्ट और 5 लाख? ये कोई, ये तुम उस सुनील की बात तो नहीं कर रही हो? सुनील राणा? जी, उसी की बात कर रही हूँ मैं। वो क्रिमिनल, आप जानते हो उसको? हाँ सिमरन, सुनील राणा। मैं उससे 3 साल पहले से उसके पीछे लगा हुआ हूँ। मैं उसका पीछा कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम उसे अच्छे से जानती होंगी। और ये मुझे तब पता लगा कि जब मैंने उसके कागजात चेक करे, उन कागजातों में तुम्हारा फोटो और सिमरन मेहरा के नाम से तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ था। और वो तो अब जेल से छूट गए। छूटा नहीं है, वो जेल से भागा है। भागा है? हाँ सिमरन, जेल से भागा है। हाँ सिमरन, और मुझे तुम पर शक था। शक था? अगर शक था तो फिर तुमने मेरा पीछा क्यों नहीं किया? मैंने पीछा तुम्हारा इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं तुम्हारा पीछा करके अगर उसे पकड़ता तो मुझे उस वक्त उसको गिरफ्तार ही करना पड़ता। और अब उसका मुझे एनकाउंटर करना है, ऊपर से आदेश है, तो इसलिए वो 5 लाख रुपए भी दूंगा और पासपोर्ट भी दूंगा। यानी कि मुझे 5 लाख रुपए और पासपोर्ट लेकर जाना है? बिल्कुल जाना है, पर तुम घबराओ मत, हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स होगी वहां पे, उसका एनकाउंटर करके उसे धर दबोचेंगे। चलो मिस्टर विकास, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी इंस्पेक्टर, मैं आ गया। और हाँ, पूरी तैयारियां हैं आपकी, प्लानिंग के तरीके से पूरी तैयारियां। ठीक है, तो मैं सिमरन को भेजूं? बिल्कुल। लो सिमरन, ये बैग लेके और जाओ, हम हैं, डोंट वरी, जाओ। इंस्पेक्टर तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। ठीक है। सुनील,
सुनील ये लीजिए 5 लाख रुपए पूरे और तुम्हारा पासपोर्ट, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। बिल्कुल नहीं, मुझे दिखानी भी नहीं। पर एक बात कहूँ, तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे को अकेले जाने का मन नहीं करता, साथ चलो ना। क्यों? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। कोई बात नहीं, और तुम्हारे पूरे पैसे इस बैग के अंदर हैं। एक मिनट, पहले चेक तो कर लेने दो, बड़ी जल्दी पड़ती है तुम्हें मेरे पास से जाने की। वाह, और मेरा पासपोर्ट इसी के अंदर है, चेक कर लीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड बाय, शायद हम फिर मिले ना मिले, लास्ट बाय। सुनील राणा, कहाँ जा रहे हो? कहाँ सिना तुम? चलो शुक्र है पहचान तो लिया, बहुत जल्दी में हो। वो फोन नहीं दिखाओगे जिस फोन में मेरी बीवी के फोटोज और वीडियोस हैं? इसका मतलब सब कुछ बता दिया तुमने? क्यों, हमसे कोई बात आज तक छुपी है क्या? अरे हाय, तुम पर वो शायद फोटो बर्दाश्त ना हो, इसलिए रहने दो मुझे। हाँ तो वो रुको, यहां से कदम बढ़ाने की कोशिश मत करना, समझ रहे हो? शायद तुम मुझसे वाकिफ नहीं हो, जाने दो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, वो फोन दो, मुझे जाने दोगे? बिल्कुल। ये वही फोन है जिस फोन में मेरी बीवी के फोटोज और वीडियोस पड़ी हुए हैं। हाँ। ठीक है, आज से इसको भी खत्म करते हैं। तुम्हारे अनुसार तुम्हें वो चीज मिल चुकी, अब मेरे मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? कनाडा। अब कनाडा नहीं, अब तो सीधे हम लोग जाओगे। हम लोग मतलब? मतलब वो देखो अपने पीछे। सुनील राणा, तुम हिंदुस्तान को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। जाओगे तो जरूर, मगर इस दुनिया को छोड़कर। सिमरन, कहाँ जा रही हो? विकास, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। अब आप अपनी नई जिंदगी बिता सकते हैं, गुजार सकते हैं। मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही हो सिमरन? अरे जिंदगी तो तुम मेरी हो, और तुम मेरी जिंदगी से ही दूर जाना चाहती हो। और तो और, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हारे ऊपर कितना टॉर्चर किया। मुझे माफी मांगनी चाहिए, क्या हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते? सच विकास? हाँ।